At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings. Hello everyone and welcome back to another travel vlog. Today is 26 December and I'm going to 4 days के लिए एक मिनी वेकेशन के लिए फार्म हाउस में जा रहा हूँ. तो ये जो फार्म हाउस है वो मेरी बुआ के फ्रेंड का फार्म हाउस है. तो दो दिन दैट सैटरडे संडे हम लोग फार्म हाउस में रहेंगे और मंडे ट्यूसडे और दूसरे फार्म हाउस में रहेंगे. तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मिनी वेकेशन. तो ट्रैवल ब्लॉग आने वाला है, सो एन्जॉय दिस ट्रैवल ब्लॉग. एंड या आई एम गोइंग बाई कार, सो यप, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट एंड फन. एंड वहाँ का लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है जहाँ मैं जाने वाला हूँ. और यहाँ पे मैं मेहंदी के यहाँ पे रुका हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे खाएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे दानू के साइड जा रहे हैं. हाँ, तो लोकेशन बताना भूल गया, वी आर गोइंग टू दानू. So we have stopped at Jalaram. This is a Kathiyawadi restaurant just for a little break and then we'll continue our journey towards Danu. So I'm having coffee here. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फार्म हाउस. तो इनके फार्म हाउस में पैशन फ्रूट भी है, इतने सारे पैशन फ्रूट है, मैंने कभी आई गेस खाया नहीं है. सो ये फार्म हाउस का एंट्री है और जैसे एंट्री मारते हैं बाजू में बहुत बड़ा सा झूला है, तो अब आराम से आप बैठ सकते हो. एंड ये एंट्री है, लेफ्ट हैंड साइड पर बेड्स है, राइट हैंड साइड पर लिविंग एरिया है जहाँ पे बैठ के बातें शातें कर सकते हैं. और यहाँ से सीधा स्टेयरकेस से ऊपर जाने के लिए है. तो ये है फर्स्ट फ्लोर, ये बेडरूम नंबर वन, ये बेडरूम नंबर टू, ये बेडरूम नंबर थ्री. और यहाँ पे भी बेड्स लगाए हैं और ये बालकनी है, बहुत बड़ा बालकनी है और व्यू यहाँ पे सुबह को एक नंबर मस्त लगेगा. सो ये हो गया अपना फर्स्ट फ्लोर. अब हम जा रहे हैं इसके ऊपर, टेरेस है क्योंकि अभी बहुत धूप है ऊपर, बट हम शाम को आई गेस ऊपर जाने वाले हैं, तो शाम के टाइम के आपको दिखाए गए. यहाँ पे भी आराम से 5 से ज़्यादा लोग सो सकते हैं अगर 31st भी अगर सेलिब्रेट करना हो तो. ऐसे फार्म हाउस तो होना ज़रूरी है क्योंकि 31st अगर यहाँ पे बनाना है तो बर्थडे पार्टी, वेकेशन, कुछ भी हो यहाँ पे तो काफ़ी मज़ा आएगा. एंड आई गेस सनराइज या तो सनसेट ये साइड से ही होगा. एंड मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ, अगर काश मेरे पास ड्रोन होता ना तो यहाँ पे मस्त अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलते. तो मैंने बात किया मॉम डैड से, अगले साल अगर कभी ऐसा फार्म हाउस में आना हुआ तो एक ड्रोन भी ले लूँगा ताकि अच्छे से अच्छे ड्रोन फुटेजेस भी आ सकते हैं. और यहाँ पे ग्रीनरी इतना मस्त है. सो ये है यहाँ का टेरेस और यहाँ पे भी बहुत बड़ा झूला है, तो यहाँ पे बैठ के हम चाय की मज़ा लेंगे और साथ में हम लोग सनसेट भी देखेंगे. यहाँ का झूला इतना बड़ा है, वाह. अब चाय पी के थोड़ा सा हम लोग टाइम लैप्स लेंगे. So that's all for today. Hope you guys enjoyed today's vlog. Make sure you like and subscribe. And yeah, this was day one. And tomorrow will be the day two. And it's going to be a lot of fun and excitement. So yeah, see you guys tomorrow. So hope you guys are smiling and spreading happiness. And I'll see you guys in the next vlog.